Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is one page flowchart of gait abnormalities. तो इस वीडियो के अंदर हमने एक ही सफ़े के ऊपर जो गेट एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनके साइन सेटअप को लिखा हुआ है. तो आपने एग्जाम के अंदर स्पेशली जो न्यूरो एनाटॉमी के अंदर ये पूछा जाता है कि कोई आपको बता देगे कि किसी एक बंदे का गेट ये था, ब्रॉड बेस है, अनस्टेडी गेट है, वॉकिंग ही इम्पॉसिबल है, तो आपने इसका डायग्नोसिस बताना होगा. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन डिजीज़ के अंदर आपको क्या क्या गेट एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है, मतलब आपको गेट के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है. अब गेट का मतलब ये वो मैनर या जिस तरीके से हम चलते होते हैं तो उसको बोलते हैं गेट. ठीक हो गया. तो जो गेट एबनॉर्मेलिटीज़ है वो किन किन कंडीशन के अंदर किस तरह से अल्टर होती है, तो यहाँ पर हम पांच कंडीशंस को पढ़ेंगे. ठीक हो गया. पहला है सेंसरी एटैक्सिया, दूसरा है हेमिप्लेजिक गेट, तीसरा सेरिबेलर जिसको आप सेंट्रल एटैक्सिया भी बोल सकते हैं, चौथा पार्किंसन. ठीक हो गया. और पांचवा है मायोपैथिक. जो पहला है सेंसरी एटैक्सिया. अब सेंसरी एटैक्सिया को आपने समझना है कि आपने फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में आपने ये किया होगा, रोमबर्ग साइन. रोमबर्ग साइन के अंदर ये करते थे, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है, ये समझिए आप कोई पेशेंट है. ठीक हो गया. पेशेंट को कहते हैं कि आपने सामने खड़े हो जाना है, इरेक्ट खड़े हो जाना है. ठीक हो गया. तो पहले पेशेंट को देखते हैं, फिर इसके बाद कहते हैं कि हमारे पेशेंट को या हमारे सब्जेक्ट को कहते हैं कि आपने आंखें बंद करके खड़े हो जाना है. तो अगर आइज के क्लोज होने के बाद अगर उसका प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम सही है तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर लेगा, लेकिन अगर उसका प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम खराब है, वेस्टिबुलर सिस्टम खराब है. ठीक हो गया. कि वेस्टिबुलर सिस्टम के अंदर लीजन है या वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व डैमेज हो गया. ठीक हो गया. तो फिर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसरी लॉस के अंदर हमें रोमबर्ग साइन पॉजिटिव देखने को मिलेगा, कि अगर हम उस बंदे को कहेंगे, उस सब्जेक्ट को कहेंगे कि आप खड़े हो जाओ, तो वो बंदा सही तरह खड़ा नहीं हो पाएगा जब हम आंखें बंद करवाएंगे. लेकिन जब आइज क्लोज आइज ओपन होती है तो वो आइज की इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए बैलेंस मेंटेन करता है, लेकिन जब आइज क्लोज होती है मतलब कोई विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो अपना बैलेंस लॉस कर लेता है, तो उसको बोलते हैं रोमबर्ग साइन पॉजिटिव आ गया. ठीक हो गया. तो रोमबर्ग साइन आपको देखने को मिलेगा सेंसरी एटैक्सिया के अंदर. इसके बाद है हेमिप्लेजिक. हेमी का मतलब हाफ, प्लेजिक का मतलब पैरालिसिस. अब यूनिलैटरल और बाइलैटरल. तो यूनिलैटरल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, बाइलैटरल देखने को क्या होता है. ठीक हो गया. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर यूनिलैटरल होता है, किसी सेम स्पेसिफिक साइड के ऊपर होता है, तो आपको हिप की एक्सटेंशन देखने को मिलती है. ठीक हो गया. या हम स्पेसिफिक बता रहे हैं अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लिगन. तो जो लोअर लिम होता है वहाँ पर आपको एक्सटेंशन देखने को मिलती है, और जो अपर लिम होता है वो पूरा फ्लैक्स हो जाता है. ठीक हो गया. तो ये आपको देखने को मिलता है अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लिगन के अंदर. ठीक हो गया. और स्पेसिफिकली अगर ये बायलैटरल होता है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड के ऊपर, तो आपको सीजर लाइक गेट देखने को मिलता है, स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है. इसके बाद बात करते हैं सेरिबेलम की. सेरिबेलम अगर डैमेज होता है तो सेरिबेलम की डैमेज होने की वजह से रोमबर्ग साइन पॉजिटिव नहीं आता, ये आपने याद रखना है. रोमबर्ग साइन जब पॉजिटिव आता है जब प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है सेंट्रल एटैक्सिया के केस में. अब जो सेरिबेलर एटैक्सिया या सेंट्रल एटैक्सिया, इसके अंदर जो गेट होता है वो ब्रॉड बेस होता है, और वो गेट होता है अनस्टेडी अनकोऑर्डिनेटेड. और हम कहते हैं कि आप पेशेंट को कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं कि आप एक स्पेसिफिक लाइन के अंदर चले, तो वो अगर स्पेसिफिक लाइन के अंदर चलने के बजाय एक साइड के ऊपर वो लड़खड़ाता है, एक साइड के ऊपर ज्यादा वो गिरने की कोशिश करता है, तो फिर इसका मतलब उस साइड का सेरिबेलम डैमेज हो गया, तो आपको अनस्टेडी अनकोऑर्डिनेटेड गेट देखने को मिलता है. इसके बाद है पार्किंसन डिजीज. तो पार्किंसन डिजीज के अंदर जो पेशेंट या सब्जेक्ट होता है, ठीक हो गया, उसके गेट के अंदर आपको नुमाया चीजें देखने को मिलेगी. फॉर एग्जांपल अगर हम उसको कहते हैं कि आप चलो, तो वो जो छोटे छोटे स्टेप लेगा, मिसाल के तौर पर नॉर्मल बंदा इतने स्टेप लेता है, ठीक है, लेकिन वो बंदा इतने छोटे छोटे स्टेप लेगा, इतने छोटे छोटे स्टेप्स. तो पहली बात होगा आपको शॉर्ट स्टेप्स देखने को मिलेंगे, यानी जो एक स्ट्राइड लेंथ होती है, हील को कितना आपने ऊपर लेके जाना है स्टेप लेने के दौरान, तो उसको बोलते हैं स्ट्राइड लेंथ. तो स्ट्राइड लेंथ काफी ज्यादा कम हो गई है, मतलब वो हील को ज्यादा ऊपर लिए बगैर ही छोटे छोटे स्टेप लेगा. इसके साथ नॉर्मली अगर हम मूव करते हैं तो फिर आर्म की स्विंगिंग होती है, हम आर्म्स लहराते हैं, लेकिन जो पार्किंसन डिजीज का पेशेंट होगा उसके अंदर आर्म स्विंगिंग, ठीक है, ये आपको नहीं देखने को मिलेगी. ठीक हो गया. ये आपको कैरेक्टरिस्टिक साइन सिप्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक साइन बोल सकते हैं उसको, सिप्टम नहीं. मायोपैथिक. मायो का मतलब होता है मसल्स, पैथिक का मतलब होता है पैथोलॉजी. अगर मसल्स की पैथोलॉजी होती है, जिस तरह हम ड्यूशी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कह सकते हैं, या कोई मसल्स की एब्डोमेलिटी माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, तो आपको वेट किस तरह के देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपको एक साइन देखने को मिलता है, उसका नाम है ट्रेंडिलनबर्ग साइन. तो ट्रेंडिलनबर्ग साइन को तो हमने ग्रोथ एनाटॉमी के अंदर कवर किया है. ठीक हो गया. और एक होता है वैडलिंग गेट. तो इन दोनों टर्म्स को हमने कवर किया है ग्रोस एनाटॉमी के अंदर, स्पेसिफिकली या लोअर लिम्स के एबनॉर्मेलिटी है, तो ये आपको देखने को मिलती है मायोपैथिक कंडीशन के अंदर, ठीक है, मायोपैथिक
कंडीशन के अंदर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी हुई है, वो है मैकेनिज्म ऑफ ट्रैमर इन सेरिबेलम, कि सेरिबेलम की डिजीज हो गई तो उसकी वजह से ट्रैमर क्यों होते हैं। तो आपने एक बात पहले से नोट करनी है कि जो हमारी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट ट्रैक होता है वो है स्पाइनल सेरिबेलम, और यही ट्रैक हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेरिबेलम के पास देता है। मिसाल के तौर पर कोई भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है, मिसाल के तौर पर मैं एक कदम आगे बढ़ाया, तो जो मैंने काम किया है, जो मैंने काम किया उसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन गई है सेरिबेलम के पास। यानी इन शॉर्ट कि जब भी हमने कोई काम करना होता है तो जो पहले काम जो मोटर प्लान होता है उसकी कॉपी सेंड की जाती है सेरिबेलम के पास। कौन सेंड करता है? कॉर्टेक्स के जरिए, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक के जरिए, ठीक है। कॉपी चलेगी सेरिबेलम के पास, यानी सेरिबेलम के पास एक इनिशियल प्लान है, और जब कॉर्टेक्स ने इन्फॉर्मेशन दी मसल्स को कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के जरिए कि आपने क्या मूवमेंट करवानी है, फिर जो फाइनल जो मूवमेंट होती है उसकी भी एक कॉपी जाती है स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक के जरिए किसके पास? सेरिबेलम के पास। यानी सेरिबेलम के पास दो टाइप की इन्फॉर्मेशन है, एक वो इन्फॉर्मेशन कि आपने क्या करवाना था, और दूसरी टाइप की वो इन्फॉर्मेशन कि क्या हुआ, ठीक है। एक था एक आपका जो इनिशियल था प्लान क्या था और इसका एंड रिजल्ट क्या था, दोनों को कंपेयर करता है। कौन सा कौन करता है? सेरिबेलम। और जो ट्रैक्स होते हैं वो है स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। तो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक डैमेज हो जाए या सेरिबेलम की लीजन हो जाए तो सेंट्रल एटैक्सिया देखने को मिलता है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ ट्रैमर इन सेरिबेलम। तो ये शॉर्ट सी वीडियो हो, शॉर्ट सी वीडियो नहीं बल्कि 5 मिनट की वीडियो, 6 मिनट की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना।